everyone, welcome to my channel. So in this video I'm going to show you all the stuff that I've got from Nykaa recently. So yeah, without wasting any further time, let's get into the video. So the first thing that I've got from Nykaa is this product right here. ये actually pre-purchase है. अगर आपने मेरी पिछली Nykaa haul video देखी होगी तो आपको पता होगा. अगर आपने वो video नहीं देखी है, you're surely missing something in your life. Please do check that video out. The link would be in the description itself. Anyways, so it's body wash का refill from Vivil. पिछली बार मैंने लिया था in the variant mint and cucumber. इस बार मैंने लिया है in the variant lavender. And सच बताऊं, I'm not really a person जिसको बहुत फ्रूटी या फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज अच्छी लगेगी. प्लीज डोंट माइंड इट अगर आपको पसंद है तो, बट आई एम नॉट दैट पर्सन. मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेज ज्यादा अच्छी लगती है. सो या दिस इज अ लिटिल टू फ्रूटी एंड फ्लोरल फॉर मी एंड प्रिटी स्ट्रांग. ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, वो वाली ज्यादा अच्छी थी. बट एनी वेज, अगर आप ले लिया है तो हम इसी से काम चलाएंगे. सो या दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड इट वॉज फॉर 99 rupees. और इसमें आपको 400 ml प्रोडक्ट मिलता है, विच इज ग्रेट. लाइक 99 bucks में आप इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. बट द ओनली थिंग इज, मुझे ये वेरियंट अच्छा नहीं लगा. मुझे वो जो इसका क्लासिक वेरियंट है मिंट एंड कुकुम्बर वाला, वो ज्यादा पसंद है. सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इट, अगर आपको फ्रूटी या फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो ये ले. अगर आपको मेरी तरह थोड़ी सी ताजी फ्रेश मिंटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है तो वो क्लासिक जो इसका ब्लू वाला आता है ना, वो वाला ले लेना. सो या दैट्स दैट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई परचेज फ्रॉम Nykaa इज दिस राइट हियर. इट्स अ नेसेसिटी फॉर मी एक्चुअली. ये ब्लू हेवन के लाइनर है. इट्स द ब्लू हेवन गेट बोल्ड आई लाइनर. ये क्लेम कर रहा है कि वाटर प्रूफ है और ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है. मैं वैसे यूज करती हूँ लैक्मे के इंस्टा लाइनर, बट वो मुझे मिल नहीं रहा था तो इसीलिए मैंने ब्लू हेवन वाले ले लिए. एंड वॉज प्रिटी चीप. ये 55 rupees के थे और मैंने एक की जगह गलती से दो ऑर्डर कर दिए. दोनों का कलर ब्लैक है. मुझे इसमें और लैक्मे के इंस्टा लाइनर में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा. दैट इज ऑल्सो नॉट वाटर प्रूफ, बट ये इतना ओपेक नहीं है जितना वो वाला लाइनर है. लाइक उसके दो स्ट्रोक्स में ही आपको लगेगा कितना जेट ब्लैक आई लाइनर है. ये उतना ओपेक नहीं है, बट इट्स प्रिटी गुड इफ यू वॉन्ट अ लाइनर फॉर डेली यूज. सो या दैट्स दैट. और ये केवल 55 rupees का था. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस राइट हियर. ये फेसेस कैनेडा का मेकअप रिमूवर है. मैंने इसको कल ही यूज किया है तो मैं इसका अच्छा खासा रिव्यू दे सकती हूँ. आई लाइक इट. लाइक नेल पिन छुटाने के लिए अच्छा है, बट इसमें एसीटोन है. जबकि इसमें लिखा हुआ है इट्स एसीटोन फ्री एंड अल्कोहल फ्री, बट इसमें है अच्छा खासा एसीटोन और अल्कोहल है. खुशबू से मुझे पता चल गया क्योंकि आई एम नॉट रियली पर्सन जो इस टाइप के लिक्विड यूज करेगा अपने नेल पेंट रिमूव करने के लिए. इंस्टेड आई यूज जो मेकअप वाइप्स नहीं आते, मेकअप वाइप्स नहीं, नेल पॉलिश रिमूवर जो वाइप्स आते हैं ना आपके, तो एक छोटे से डब्बे में रहते हैं. तो आई यूज दैट और उससे बहुत आसानी से निकल भी जाता है और बिल्कुल भी आपके लाइक नेल्स को ड्राई और वीक नहीं बनाता. इस टाइप के जो होते हैं ना नेल पेंट रिमूवर, वो आपके नेल्स को बहुत ड्राई और वीक बना देते हैं. सो या ठीक है, नेल पेंट रिमूव करने के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई वोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. एंड इट वॉज फॉर अराउंड 80 rupees. सो या दैट्स दैट. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस नेल पेंट राइट हियर. ये Nykaa की नेल पेंट है इन द वेरियंट मैट. इट्स अ मैट नेल पेंट और आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथों में यही नेल पेंट लगा रखा है. एंड इट जस्ट मेक्स माई हैंड लुक वेरी क्लासी एलिगेंट एंड जस्ट एड्स अ वेरी रॉयल लुक टू मी. आई लव दिस शेड. अगर आप मीडियम टू डार्क स्किन टोन के बीच के हैं तो दिस नेल पेंट इज गोइंग टू लुक सो 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 डैम गुड ऑन यू. ट्रस्ट मी ऑन दैट. इट्स अ वेरी वेरी क्यूट एंड प्रिटी न्यूड शेड. अगर आप कोई भी न्यूड शेड लेना है, ये न्यूड शेड ले लो आप. यू आर गोइंग टू थैंक मी. इट्स इन द शेड मिल्क चॉकलेट 157 एंड इट वॉज फॉर अराउंड 150 rupees एंड आई लव इट. अगर आपको वीडियो चाहिए ऑन अबाउट लाइक टॉप 5 और टॉप 10 नेल पेंट्स, लाइक न्यूड नेल पेंट्स, आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद नेल पेंट्स एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद न्यूड काइंड ऑफ शेड. सो या प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वॉन्ट दैट वीडियो. सो द नेक्स्ट थिंग इज माई ऑब्सेशन. या इट्स अ नेल पेंट फ्रॉम Nykaa. यू गेस्ड इट राइट. एनी वेज, सो इट्स नॉट अ मैट नेल पेंट. ये ग्लॉसी नेल पेंट है फ्रॉम Nykaa. पैकेजिंग में भी फर्क है एज यू कैन सी. सो इट्स अ ग्लॉसी नेल पेंट विच इज इन द शेड क्रेम ब्रूनेट 44. इट वॉज फॉर अराउंड 132 rupees और समथिंग. आई डोंट नो द एक्जैक्ट प्राइसेज ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई परचेज, सो आई वुड मेंशन ऑन द स्क्रीन. प्लीज डोंट वरी. एंड ऑल्सो द लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, सो आई यू कैन चेक दैट. सो अगर इस कलर की बात करूं तो ये जो मैंने नेल पेंट लगा रखी है मिल्क चॉकलेट, इससे हल्का सा लाइट कलर है तो ये आपके हाथों पे थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है. सो या इफ यू वॉन्ट अ न्यू शेड जो थोड़ा स्टैंड आउट करे, सो यू कैन गो फॉर दिस वन. इसकी भी लॉन्जिटिविटी बहुत अच्छी है. अच्छा खासा टिक जाता है, चिप नहीं होता, अच्छे खासे जल्दी से ड्राई हो जाता है. ये अच्छा खासा क्यों बोल रही है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ अच्छे नेल पेंट्स है. सो या द नेक्स्ट थिंग दैट आई परचेज इज अ काइंड ऑफ नेसेसिटी. सो दिस इज द प्रोडक्ट राइट हियर. ये VLCC की कोल्ड क्रीम है
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गर्मी में कोल्ड क्रीम क्यों ली है मुझे खुद नहीं पता, और इसमें काफी सारी चीजें मेंशन है, लेट मी रीड दैट। सो इट हैज शिया बटर, इट हैज आर्गन ऑयल, एसपीएफ 20 एंड हनी। सो मैंने परचेज ये इसलिए की थी क्योंकि इसमें एसपीएफ 20 है विच इज प्रेटी गुड, लाइक घर पे बैठे हो आप फिर भी आपको सनरेज से थोड़ा खतरा होता है तो आप सनस्क्रीन थोपते हैं क्रीम लगाने के बाद भी, विच आई डोंट रियली लाइक। सो इसीलिए इसके अंदर एसपीएफ 20 है तो थोड़ा बहुत तो धूप की किरणों से बचाव हो जाएगा ना मुझे। दैट्स दैट। ये था फॉर अबाउट 65 रुपीज, और इसमें आपको 75 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है विच इज ग्रेट, बट मुझे यूज करके बताना पड़ेगा आपको बाकी तो, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट, सो आई नीड टाइम टू रिव्यू इट। सो या दैट्स दैट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई परचेज आर दीज प्रोडक्ट्स राइट हियर, ये दोनों सेपरेटली आए थे। सो इट्स द डेवलपर फ्रॉम स्ट्रीक्स प्रोफेशनल, ये स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का डेवलपर है इन 20 वॉल्यूम, और ये स्ट्रीक्स प्रोफेशनल का आर्गन कलरेंट क्रीम है इन द वेरियंट डार्क ब्लॉन्ड। इसमें आपको अच्छा खासा ट्यूब मिलता है बड़ा सा, ओह माय गॉड। सो या दिस इज हाउ द इनर ट्यूब लुक्स लाइक, इसके अंदर आपको कलरेंट क्रीम मिलता है जिसको आपको मिक्स करना होता है 1:1 रेशो में डेवलपर के साथ। लाइक आई हैव ऑलरेडी कलर्ड माई हेयर, मैंने अपने बाल करीबन 5 से 6 बार कलर कर दिया, ब्लीच माई हेयर, आई हैव डन ओमरे ऑन माई हेयर, हाईलाइट्स किए मैंने, आई हैव डन एक्सट्रीम रेड कलर, मैंने परमानेंट कलर भी किए, वो पैकेट वाले जो आपके कलर्स आते हैं वो भी किया मैंने, बहुत सारे कलर मैंने ट्राई कर रखे हैं एंड मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अभी तक तो गेन कर लिया है, नॉट एज अ प्रोफेशनल, बट हाँ अगर खुद के बाल कलर करने हो आई नो विच प्रोडक्ट इज गुड फॉर माई हेयर एंड विच इज नॉट। सो यार दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू यूज ऑन माई हेयर, एंड आई मे हैव फिल्म दैट वीडियो, शायद वो वीडियो इस वीडियो से पहले चले गई हूँ जिसमें मैं अपने बाल कलर करूंगी। सो यार डू चेक दैट वीडियो आउट, बाद में भी आए तो भी मैं बाद में लिंक डाल दूंगी, पहले आएगी तो पहले लिंक डाल दूंगी। सो यार दैट्स दैट। सो मैं प्राइस बताना भूल गई, इस प्रोडक्ट का लाइक डेवलपर का प्राइस था 110 रुपीज, और इसका कलर एंड क्रीम का प्राइस था अबाउट 160 रुपीज। सो यार और ये आपका अच्छा खासा चलने वाला है, लाइक आराम से आप इससे अपने बाल 5 या 6 बार कलर कर सकते हैं, सो दैट्स ग्रेट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई परचेज इज दिस प्रोडक्ट राइट हियर, इट्स अ परफ्यूम फ्रॉम वाइल्ड स्टोन इन द वेरियंट फॉरेस्ट स्पाइस। सो मुझे परफ्यूम डिस्क्राइब करने नहीं आती है, फ्रेग्रेंसेस डिस्क्राइब करनी नहीं आती, बट इट्स वेरी लाइक यूनिसेक्स काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, इट कैन बी यूज बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ये स्ट्रांग है बट इतना भी स्ट्रांग नहीं है जो आपको हेडेक दे देगा, बट अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में लगाओगे तो हाँ मे बी आपको हेडेक भी हो सकता है, बट इट लास्ट समवेयर अराउंड लाइक 4 to 5 hours, नॉट मोर देन दैट, एंड इट हैज अ वेरी लाइक स्पाइसी काइंड ऑफ स्मेल, इट स्मेल्स रियली सेक्सी आई वुड से। सो या दैट्स दैट, and I'll mention the exact prices on the screen because I don't really remember the prices, so yeah. So the next thing that I purchased is this right here, ye Nivea ki deodorant hai, ye women's ke liye hi hai, and it's the deodorant protect and care non irritating variant. So yeah, isme zero alcohol hai, aise ne claim kiya hai, and it has the fragrance of Nivea cream. Exactly, main bhi yahi bolne wali thi, it has the fragrance of Nivea cream, so that's why I hate it, I don't like it, I really don't like it. And it was pretty cheap, it was for like 199 or something. So yeah, theek hai, like it's good to control the sweat, but zyada der ke liye effective nahi hai, bas 2-3 ghante ke liye. So I don't think so ke aisi deodorant ka koi matlab hai jo bas 2-3 ghante kaam karegi. So yeah, that's that. So the next thing that I purchased is this product right here. Ye Nivea ki men's ki deodorant hai, and it's the opposite of the thing that I've showed you right now. Like women's ki jo deodorant hai na Nivea ki, I hate it like anything. And I love this freaking product like anything. It has a very like woody and masculine kind of like fragrance. I really like it. Aur ye aapka sweat bhi acche khase time ke liye control karta hai. Sweat ki jo fragrance actually wo control karta hai for about 4 to 6 hours. So yeah, I really like it. And ye bhi bilkul bhi irritating nahi hai. And it just makes you like smell very fresh. So yeah, I really like this one as compared to the one that I've showed you right now, like women's wali. So the next thing that I'm going to show you, I'm obsessed with that thing from like last 2 years. So this is the thing right here. Ye X ki deodorant hai in the variant Dark Temptation, and I love it. I love the fragrance of it. I love how powerful it smells. And it has really like chocolatey kind of fragrance, but wo वैसी fragrance nahi hai jo aapko bakery mein aayegi na chocolate ki. It's not really that. Ye fruity ya vanilla kind of fragrance nahi hai ye. It's really a sexy fragrance. I would love to wear it at night. Like for me, it's a night kind of fragrance. I don't like to carry these kind of fragrance during the daytime. And I've seen so many women out there who loves this deodorant and who uses this deodorant as a perfume. It really smells like a perfume to me.
इट्स नॉट समथिंग आई वुड यूज एज अ डिओड्रेंट, और मैं इसको डिओड्रेंट की तरह यूज भी नहीं करती. आई यूज इट मोर ऑफन लाइक अ परफ्यूम. सो या आई रियली लव इट एंड आई लाइक टू कैरी इट ड्यूरिंग द नाइट टाइम. सो या दैट्स दैट. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव परचेज्ड इज अगेन अ डिओड्रेंट. आई एम रियली सॉरी बट इट्स द डिओड्रेंट विच इज माई फेवरेट. सो आई नीडेड टू शो दिस टू यू. सो या ये भी मैंने वापस परचेज किया बिकॉज ऑलमोस्ट मेरे जितने भी परफ्यूम्स या डिओड्रेंट थे वो खत्म हो रहे थे. सो या दिस इज माई फेवरेट और इसको मैं कैसे रीस्टॉक नहीं करती. इट जस्ट स्मेल सो यूनिक एंड सो सेक्सी. आई लव इट. इट कैन बी कैरिड ऑफ बाय अ मैन एंड अ वुमेन एट अ सेम टाइम. इट्स प्रीटी लॉन्ग लास्टिंग. बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. आपके कपड़ों से भी इसकी खुशबू आती रहेगी. इट्स नॉट एक्चुअली अ डिओड्रेंट. इट्स मोर ऑफ अ परफ्यूम टू मी. आई लव इट एंड इट वॉज फॉर अबाउट 210 rupees एंड आपको इजिली मिल जाएगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट या नायका पे. प्लीज डू चेक दिस फ्रेग्रेंस आउट राइट हेयर. यू आर गोइंग टू लव इट एंड थैंक मी फॉर दिस वन. आई लव इट. आई एब्सोल्यूटली लव इट. सो द नेक्स्ट थिंग इज आई एम रियली सॉरी इट्स अगेन अ डिओड्रेंट. दिस वन इज फ्रॉम पार्क एवेन्यू इन द वेरिएंट गुड मॉर्निंग वेक अप. सो दिस वन इज फॉर माई ब्रदर एंड ये जो है ना ये डेनवर वाली जो डिओड्रेंट है जो मेरी फेवरेट है उसके थोड़ा आसपास के बट फिर भी दोनों में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं. लाइक ये पर्टिकुलर जो डिओड्रेंट है ना वो ऐसा लगता है कि इट कैन बी कैरिड ऑफ बाय समवन हु इज वेरी मैस्कुलिन. इट इज नॉट लाइक रियली फेमिनिन सेंट टू मी. सो या दैट्स दैट. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस एंड फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सो या प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. देखो आपकी लड़की कितनी मेहनत कर रही है. लाइक ऐसे पसीने में एकदम बह रही है बट फिर भी वीडियोज बना रही है. थोड़ा राइमिंग राइमिंग हो गया. एनीवेज प्लीज मत भूलो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. अब तो कर दो प्लीज सब्सक्राइब. मिलते हैं अगली वीडियो में संडे 6 PM. तब तक ले बाय.